I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. तो आज हम आए हैं विंटर, विंटर से पहले एक 30 मिनट्स पहले अराउंड एक जगह है और आज बहुत ही सही कट्टा हुआ। तो यहाँ पे जो आप डेक देख रहे हो, डेक के अंदर कल हमने पूरी एक शूटिंग करी थी, हमारा ये सेकंड डे है यहाँ पे, और जो मेमोरी कार्ड है वो इस डेक के अंदर चला गया। एंड देयर इज नो वे टू टेक इट आउट। पूरा ड्रोन शॉट लिया था, सारा रास्ता शूट करा था, लंदन गए थे, लंदन शूट करा था, सब गायब हो चुका है। अंदर तब बहुत ही प्रिस्टीन हालत में था एयरबीएनबी और अब बहुत ही गंदा होगा, तो हम थोड़ा बहुत दिखा देंगे। पहले बहुत अच्छा था, टूर करा था उसका, बट वो हो नहीं पाएगा और दो की जगह एक ही वीडियो बनेगी। बट आज विंटर दिखाएंगे थोड़ा सा, और अभी बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो थोड़ा सा आपको अंदर दिखाते हैं और फिर चलते हैं टुवर्ड्स विंटर। तो पहले आपको दिखाते हैं अंदर। जय सिमरन, चलो दिखाओ थोड़ा सा। तो गाइस अभी बहुत ज्यादा गंदा हुआ है, बट आई रियली रियली लव दिस प्लेस। बहुत सुंदर उन्होंने डेकोरेट कर रखा है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सनरूम, बोल सकते हैं। यहाँ से सनराइज, यहाँ से होता है ना सनराइज, यहाँ से हुआ था। बहुत सुंदर। तो अभी अंदर चलते हैं। ये है किचन, जो कि हमने काफी गंदी कर रखी है, बट इधर सब कुछ है जो जो एक किचन में होना चाहिए घर की। एयर फायर हमारा है, वो हम एयर फायर लेकर आए हैं। बारबेक्यू वगैरह नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस। मतलब अगर ट्रैवल कर रहे स्पेशली विद किड्स, तो गाड़ी में एयर फायर पैक कर और डन ये। और उसके बाद फिर यहाँ से आओ तो यहाँ पे एक बाथरूम है, और यहाँ से अगर अंदर आओ तो यहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने वॉल सजा रखी है, और अंदर आओ तो लिविंग रूम है जो कि अभी अभी साफ करा है, इसकी बहुत बुरी हालत है। बट अभी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत कॉटेजी, यू नो, वाइब है इस जगह की। यस, एकदम मस्त। और यहाँ पे भी एक लिविंग रूम का एक्सटेंशन बना रखा है। ये फ्रंट डोर है, बैक डोर से अंदर आते हैं। और ये जो लॉन है, ये अभी बाहर जाके दिखाते हैं, ये बेसिकली इसी के पार्ट है। और आसपास सारे खेत हैं, बहुत सुंदर, आपने ऊपर से देखा होगा। ऊपर जाने का रास्ता ये बहुत सही है। यहाँ पे इन्होंने सारी ना चौक वॉल बना रखी है, तो कोई भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया तो कोई भी कुछ भी आ सकता है। ये पूरी वॉल बनी हुई है, इतनी आर्ट की समझ तो है नहीं अब, बट काफी सुंदर है। और ये एक सिटिंग रूम ऊपर बनाया छोटा सा, और यहाँ पे बेसिकली तीन रूम है। एक रूम ये है, अभी जैसे हट स्टाइल होता है ना बाहर से, तो वो स्लांट जो है वो अंदर की तरफ आई हुई, तो ऐसे होते हैं नॉर्मली यहाँ पे घर जो पुराने बने हुए हैं। स्पेशली ये दूसरा रूम है, और मास्टर बेडरूम काफी गंदा है, बट कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। इट्स ओके, नो। सो ये मास्टर बेडरूम है, और यहाँ से नहीं, वहां से सनराइज हुआ था, यहाँ से सनराइज हुआ था, हाँ वहां से सनराइज हुआ था। और ये बाहर का सारा एरिया है, और यहाँ पे वैसे जकूजी भी लगी है बाहर, अभी जाके दिखाते हैं कैसा है। और यहाँ पे एक वॉशरूम है अटैच्ड, अंदर तो क्या ही देखोगे। सो इट्स अ नाइस प्रीटी हाउस, परफेक्ट फॉर टू फैमिलीज। अब हम आपको थोड़ा सा बाहर दिखाते हैं। तो बाहर में कुछ ऐसा है। सो यहाँ पे बाहर निकलते सार यहाँ पे जकूजी है, जो कि हम शायद शाम को यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हैमक वगैरह लगा हुआ है, हैमक लगा हुआ है। वहाँ पे बारबेक्यू एरिया है, छोटा सा बारबेक्यू आप देख रहे होंगे। वहाँ पे सीटिंग एरिया है, और ये पूरा बहुत सुंदर इन्होंने गार्डन सजा रखा है जो कि इसी का पार्ट है। यहाँ पे ना पीछे चिकन वगैरह भी हैं इन्होंने, और फ्रेश एग्स वहाँ पे मिलते हैं। और क्या था, और क्या फ्रेश मिल रहा है? गार्लिक जस्ट निकला हुआ, हाँ ज़मीन में से निकला हुआ गार्लिक। वो जो है वो एप्पल का ट्री है, बट उसमें एप्पल अभी बहुत छोटा है, आई डोंट थिंक यू कैन ईट इट अभी, बट अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग।
तो कितने पैसे लगे आज? तो ये जो पूरी कॉटेज आप देख रहे हो $980 हमारे लगे हैं फॉर टू नाइट्स, तो दो लोगों में होएगा, बट थोड़ा महंगा है, बट ये थोड़ा सीजन भी है एंड बनता भी था बिकॉज आज हमारी एनिवर्सरी है, 6 ईयर हो चुके हैं हमारी शादी को एंड या हमने सोचा कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. Yes. And that was nice. So by the way, वो वाला जो है वो बेडरूम है, right? Yes. वो बेडरूम है, तो बेडरूम से ही वाला व्यू था जो आपको दिखाया था. बट या अभी थोड़ा विंटर जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय करेंगे. कल वाली तो पूरी शूट खराब हो गई जैसे हमने बताया था, बट आज थोड़ा सा अच्छा सा शूट करेंगे. तो अब हम आ चुके हैं विंडसर एंड वो जो है वो डेट्रॉइट है, विच इज US एंड यू कैन एक्चुअली क्रॉस दैट, बट हमारे पास वीज़ा नहीं है तो हम नहीं कर सकते. पीछे में अभी आपको दिखाते हैं, वहाँ पे सीजर्स है. सीजर्स बेसिकली यहाँ पे कसिनो है, हम वहाँ भी नहीं जाएंगे बिकॉज हम पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते. आज कभी और जाएंगे जब हम पैसे वेस्ट करना चाहेंगे. हमने पहले सोचा कि हम ना ड्रोन शॉट लेंगे यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक ड्रोन शॉट ले सकते हैं बिकॉज ये बॉर्डर है. Yes. तो बॉर्डर पे जैसे नायग्रा फॉल्स पे भी ड्रोन शॉट नहीं ले सकते. तभी आप अगर सर्च मारो तो नायग्रा फॉल्स के आपको ड्रोन शॉट नहीं दिखेंगे, लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए. तो यहाँ पे भी वही सीन होगा, बट इट्स एन अमेजिंग प्लेस. बहुत अच्छा मौसम हो रहा है. Yes, it's very windy, like the apt amount of garmi, not so much ठंड. Nice. और ये सिमरन के पीछे पड़ते हुए इससे ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं जाती है. ये कोई 10 km/h पे चल रहे हैं हम. बहुत ही तेज़ रफ्तार से सिमरन आगे निकलती हुई 10 km/h की स्पीड पे. और वैसे तो सिमरन का भी 10 km/h है, बट मैं धीरे धीरे पास आता हुआ, आई डोंट नो हाउ, बट आई थिंक आई एम गोना सरपास सिमरन. मैंने सिमरन को सरपास तो कर लिया, बट 2 मिनट बाद धूप से बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई. You wanna have pancakes? Hey.
Do you ever wanna have pancakes? Yeah, I love pancakes. Do you wanna have pancakes? Hey guys, so we are on the end of our trip. Now we are heading back to Kitchener. Trip was amazing. Oh god, it was so much. Guys, must do है. मैं नीचे लिंक में ना डिस्क्रिप्शन में डालूंगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो. If you want a very very peaceful holiday, I would definitely suggest. और बहुत ही सही कॉफी मिलती है and coffee they're so nice. मतलब कॉफी जो भी गेस्ट होते हैं इसमें रहते हैं उनके लिए कॉफी फ्री थी. सो बहुत ही अमेजिंग. कल एक आइसक्रीम नीचे एक आइसक्रीम थी दो एस्प्रेसो शॉट्स. Amazing. घर पे ट्राई करके देखें. I don't know यहाँ पे कॉफी बीन्स अलग होंगे शायद. But it was really really nice holiday. To all of you who are asking questions about Windsor, कैसा शहर है कैसा नहीं है. To be honest, हम लोगों ने यहाँ पे इस बार ज़्यादा explore नहीं करा. But we have a trip pending. हमने यहाँ पे आके university shoot करनी है. We'll talk to people, talk to students who've been staying here. So stay tuned for that video. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए. Bye bye. Bye bye.